बहुत ज़्यादा वीडियो आपने देखी होगी यूट्यूबर पर जो गैंग के साथ मिले हुए, उन्होंने कहा जी मेहंदी अली काजमी ठीक नहीं है, दुआ जारा ने सही किया, ये किया वो किया, लेकिन यकीन माने कि मेरी दुआ है, लेकिन यकीन माने कि मेरी दुआ है, जो लोग मेहंदी अली काजमी भाई के बारे में ऐसी बातें करते हैं, अल्लाह पाक उनको ऐसी बेटियां नसीब करे, बहुत ज़्यादा बेटियां दे। बेटी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो बेटियां अब जो दुआ जारा पे हो रही है ना, ये बहुत अफसोस की बात है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मैं कहती हूँ कि इन लोगों को भी बेटी दे, और ये नहीं कि खाली बेटी दे, ऐसा ही अंजाम हो जैसे आज ये मेहंदी अली काजमी को बुरा भला कह रहे हैं। कोई भी बाप या माँ इसलिए औलाद को पैदा नहीं करती कि उसकी औलाद दुनिया में आके जलील करे, या उसकी औलाद भागकर शादी करे, या जैसे भी फसला फुसला कर उसको ले गए, जो भी बात। बाकी आपको पता है कि माँ एक ऐसी हस्ती है, कितनी मुश्किल से 1-9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, उसके बाद वो बच्चा पैदा करती है कितनी तकलीफ में, और वो पैदा करना फिर भी आसान है, लेकिन उसको फिर पालना, इतना बड़ा करना। और दुआ ज़रा 14 साल की है, 14 साल कोई कम नहीं होते हैं। और घर में आपको पता है कि माँ बेटी का झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन फिर उस माँ पे क्या गुजरती है। फिर भी मेहंदी अली काजमी भाई जो है उनको सलूट पेश करना चाहिए कि ये सारे लोग एक तरफ हैं, मेहंदी अली काजमी भाई एक तरफ है, लेकिन उन्होंने उनको अपनी बेटी पर यकीन है। अगर ऐसे माँ बाप हुए ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान में किसी भी बेटी के साथ जुल्म नहीं होगा। उनको अपनी बेटी पर यकीन है, उनको पता है मेरी बेटी बिल्कुल ऐसी नहीं, और मैंने ऐसी परवरिश ही नहीं की है कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, इसलिए वो इतना लड़ रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। अगर उनको पता हो ना, या उनकी बेटी गलत हो, या बंदे को पता चल जाता है माँ बाप हैं, तो वो बैठ जाएंगे चुप करके, लेकिन नहीं। लेकिन मेहंदी अली काजमी को पता है मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये जो लोग यूट्यूब पर बैठ के 4-4 घंटे की लाइवें करते हैं और झूठ बोलते हैं कि दवा इनको बता कर गई, लेटर छोड़ कर गई, ये करके वो, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दवा अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ ज़रा के केस के हवाले से बात की जाए तो ये आपको पता है कि ज़ाहिर की तो पक्की जेल होगी। ज़ाहिर जितना छुपे छुप नहीं सकता। अदालत ने फैसला किया है कि आप जाएं और उसको छापे मारें और पकड़ के लें। सबसे ख़ास बात आपको बताएं कि ज़ाहिर की इतनी टेंशन नहीं, ज़ाहिर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन इस टाइम जो है दुआ ज़रा है उसकी जान को ख़तरा है, क्योंकि ये कह रहे थे कि उस पर कातिलाना हमला करने के लिए ये तैयार हैं, और ये में और मार कर तो उसका जो सबूत होगा, ये कहेंगे कि दुआ ज़रा ज़ाहिर के बगैर रह नहीं सकती, उसने खुद हम खुदकशी की है, तो उसको खुदकशी का रंग दिया जाएगा। इस वजह से इस वक्त दुआ की रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर तो वैसे भी जेल में जाएगा, ज़ाहिर जितना छुपे छुप नहीं सकता, ज़ाहिर जेल में पक्का ही जाएगा। तो अब कल से लगातार छापे लग रहे हैं, एक जगह छापे मारे गए हैं, लेकिन वहाँ से भी शब्बीर, ज़ाहिर और दोनों भाग गए हैं, क्योंकि आपको पता है इकरार हसन भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने, इकरार हसन ने कहा है कि सबसे ज़्यादा इस टाइम हमें ज़रूरत है कि दुआ ज़रा की रिकवरी, क्योंकि उस पर उनके कुछ सरेआम की टीम थी जो उनको मालूमात हुई है, जो दुआ ज़रा लोगों के केस में जो बंदे थे उन्होंने बताया है कि ये दुआ ज़रा को मार कर और इसका रंग ये मेहंदी अली काजमी को देंगे और उन यूट्यूबरों को देंगे जो दुआ ज़रा की सपोर्ट कर रहे हैं।